तो एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल बीजेपी में टिकट को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। टिकट नहीं मिलने पर कई नेता बागी तक को होने के लिए तैयार हैं, जहां हमीरपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद ने दावा ठोका है। सुरेश चंदेल ने अनुराग ठाकुर की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी है, जहां टिकट के लिए चंदेल ने दिल्ली दरबार में डेरा जमा लिया है। कांग्रेस नेताओं से भी चंदेल के मिलने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी के कार्य समिति के सदस्य भी हैं चंदेल, जहां शिमला संसदीय सीट से एचएन कश्यप ने दावेदारी ठोकी है, जहां पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी गई है। शाह से मुलाकात के लिए कश्यप ने समय मांगा है, जहां 2014 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी एचएन कश्यप, ये बीजेपी के प्रत्याशी थे, जहां पंडित सुखराम ने अपने पोते के लिए टिकट मांगा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मंडी सीट से आश्रय शर्मा को प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय नेताओं से पंडित सुखराम की मुलाकात हुई है, और आश्रय शर्मा हिमाचल के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के बेटे हैं। बता दें कि कांगड़ा सीट से शांता कुमार के चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो हमीरपुर की बड़ी खबर हम आपको, हिमाचल की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुरेश चंदेल ने अनुराग ठाकुर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि सुरेश चंदेल दिल्ली दरबार भी लगा रहे हैं, जिसके चलते अनुराग ठाकुर की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो टिकट के लिए चंदेल में भी दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। कांग्रेस नेताओं से भी चंदेल के मिलने की चर्चा सामने आ रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या जानकारी है इस पूरी खबर के बाद? हिमाचल बीजेपी ने पिछले कई दिनों से, जब से चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की है, तब से हम देख रहे हैं लगातार कई तरह की खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच बीजेपी जो है, बीजेपी में भी घमासान जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो के आवेदन को लेकर जो है अब सवाल ले कर रहे हैं जिसके जो दावेदार, तो ऐसे में अगर खास तौर पर बात करें तो हॉट सीट मंडी की, खास तौर पर बात करें तो मंडी को लेकर संशय लगातार बरकरार है, जहां एक तरफ आश्रय शर्मा जो कि पंडित सुखराम के पोते हैं, अनिल शर्मा के बेटे हैं, अनिल शर्मा जो है जयराम सरकार में मंत्री हैं, तो ऐसे में दावेदारी उनकी है। और ये कहा जा रहा है, हालांकि पिछले दिनों हमें जनता टीवी ने जो है वो खबर भी चलाई कि जिस तरह से अनिल शर्मा जो है वो दावेदारी ठोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आश्रय को यहाँ से टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके जीतने के आसार हैं, और ऐसे में भारी बहुमत से जो है वो जीत उन्हीं को मिली, दावा इसी चीज का किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के बीच अब ये भी देखना होगा कि पार्टी जो है वो कितनी तैयार है। पार्टी के बीच में लगातार यही स्थिति है, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, हालांकि अध्यक्ष की भी मैं बात करूं जो पार्टी अध्यक्ष हैं, वो भी इस चीज से कहीं ना कहीं नाराज नजर आए कि उसको टिकट जो है वो किस आधार पर दिया जाए। जो व्यक्ति घर में हिमाचल बीजेपी का सदस्य तक नहीं है, तो ऐसे में आश्रय जो है वो सदस्य नहीं है, सदस्यता उनके पास नहीं है, तो उन्हें टिकट के लिए जो है हामी अभी तक किसी भी ऐसे बड़े नेता ने नहीं भरी है। लेकिन अब स्थिति जो है वो ये भी है कि अब अगर आश्रय नहीं होगी तो आखिरकार वहां से होगा कौन, यानी कि उम्मीदवार जो है कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। इसके अलावा जो कांगड़ा सीट है वहां से लगातार संशय बरकरार है, क्योंकि शांता कुमार जो है एक वरिष्ठ नेता है और मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के, इसमें कई बड़े जो और नाम है वो भी सामने आ रहे थे, लेकिन उसी बीच अब ये भी खबरें निकल के आ रही है कि लोग जो है वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं, यानी कि जो टिकट के लिए आवेदन करने वाले हैं या प्रत्याशी हैं जो चाहवा सीट को लेकर भी अब जो है वो लोकसभा में टिकट उन्हें मिले, उसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में बड़े नेताओं से आला हाई कमान से जो है बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच ये भी कहा गया है कि जो अगर हमीरपुर लोकसभा संसदीय सीट को लेकर अगर हम बात करें, लोकसभा जो हमीरपुर सीट है उसको लेकर भी संशय बरकरार है। हालांकि जो अनुराग ठाकुर हैं प्रबल दावेदार हैं, और अनुराग ठाकुर की जो पैरवी जो है वो यहाँ पर कई बड़े नेताओं ने ये कहा है कि अनुराग ठाकुर पहले भी कई बार जो है वो बड़े बड़े धुरंधरों को यहाँ पर टिकट दे चुके हैं, तो ऐसे में उनका टिकट जो है वो नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो सुरेश चंदेल हैं, सुरेश चंदेल एक बड़ा नाम है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि सुरेश चंदेल को अगर यहाँ पर टिकट मिलता है तो सीट जो है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के ही क्योंकि जो ये सुरेश चंदेल हैं, ये भाजपा के ही पहले सांसद, बिल्कुल विकास पूरी जानकारी अभी आगे आपसे लेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि किस तरह से जो हिमाचल में सीटों को लेकर सियासी घमासान चल रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हिमाचल प्रदेश में
मुख्यतः दो ही दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी। दोनों के बीच ही लड़ाई होनी है ये तय है। लेकिन इसके पहले जो अभी बैठकों का दौर चला है टिकटों के लिए, उसमें बीजेपी ने एक मत से ये तो डिसाइड कर लिया है कि जो मौजूदा इस समय सांसद हैं उनको ही टिकट दिया जाए, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने पैनल में कुछ और नाम रखे हैं कि अगर हाईकमांड चाहे, जैसे शांता कुमार जी 84 ईयर्स के हैं, अगर उनके जगह कोई और नेता को टिकट देना है तो वो सोच सकते हैं। मंडी में रामस्वरूप जी पिछली बार पहली बार एमपी बने हैं, उनका नाम भी है उसमें, लेकिन उनके साथ साथ इन्होंने ये चीज ओपन रखी है कि हमारे पास ऑप्शंस ओपन है अगर हमें किसी और को कंसिडर करना है। उसमें दावेदारी काफी लोगों की बढ़ गई है, दावेदारी तो हर आदमी कर सकता है, जैसे पंडित सुखराम जी के होते हैं आश्रय शर्मा, उन्होंने अपनी दावेदारी करी है और कई देर से वो इस मामले में कंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी ने इसका कोई ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि उन्होंने वाकई ही रामस्वरूप शर्मा जी का जो टिकट बदलना है या नए को लेना है। हमीरपुर में अनुराग जी का दावेदारी पक्की है और मुझे लगता है कि अनुराग जी जीत सकते हैं सीट, इसलिए वो अनुराग जी को ही रखेंगे उसमें। शिमला में थोड़ा सा अभी ये है कि क्योंकि इसमें दावेदारी कुछ लोगों की और आ गया, जैसे एचएन कश्यप जो एक बार पहले इलेक्शन लड़ चुके थे, हार गए हैं, लेकिन उनकी पिछली बार 2014 में भी दावेदारी थी, इस बार भी दावेदारी है, उसको भी पार्टी को देखना है। तो अभी बीजेपी ने अपने पत्ते पूरी तरह खोले नहीं है, दावेदारी संकट या क्राइसिस जो हम कहते हैं वो बिल्कुल बना हुआ है। कांग्रेस में इससे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस में भी कई तरह के दावेदारियां आ रही हैं और कांग्रेस ये सोच रही है कि उनको अगर बीजेपी का मुकाबला करना है तो उनको मजबूत और वरिष्ठतम नेता जो है उनको चुनाव में उतारना पड़ेगा, तभी कांग्रेस बीजेपी को फाइट कर सकती है। अभी तो देखते हैं, अभी एक दो दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। हिमाचल में ये है कि हिमाचल का जो मतदान है वो लास्ट फेज में है, 19 मई को है, तो इसलिए अभी टाइम है दोनों पार्टियों के बीच और इसलिए दावेदारी भी हर दल की आपस में चल रही है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो बागी हो सकते हैं जिनको टिकट नहीं मिला, अगर कोई एक भी नेता बीजेपी का बागी होता है तो उससे बीजेपी को किस तरह का नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, जो मेरी अपना एनालिसिस है, बीजेपी इस समय सत्ता में है और एक साल सत्ता में आए हुए हुआ है, उसके बाद कुछ महीने हैं, अगर कोई दावेदारी करता है और नाराज भी हो जाता है तो वो उसके पास वो उसको पता है कि सरकार अभी 4 साल चलनी है, जहां 4 साल से कुछ महीने पहले इसका दावेदारी कई बार इसलिए भी करी जाता है कि हम कुछ चीजों के लिए नेगोशिएट करें पार्टी को, अगर हमें लोकसभा का टिकट नहीं मिलता तो सरकार में कोई हमें पोजिशन मिल जाए, तो कुछ लोगों को ऐसे बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ विकास हमारे सहयोगी जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।